मिलेट्स बार 2023 के अंदर ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन यहाँ रखा गया है। और हम सभी को मालूम है कि 2023 पूरी दुनिया के अंदर मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया है। मोटे अनाज और हमारे जो जैविक खाद्य पदार्थ हैं, आज की इस समय की मांग है कि आदिकाल से जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ऑर्गेनिक फूड का उत्पाद करके उसका जो उपयोग करते थे उसके परिणाम भी ठीक थे। मनुष्य जीवन के अंदर खाद्य पदार्थ और खान पान की जो चीज़ें हैं, जो थाली का हिस्सा है, उसमें वो उत्पाद पहले से ही आदिकाल से काम में ले जाते थे, जिनमें जान थी, ताकतवर थे और स्वस्थ रखने का, शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते थे। हमने कोरोना काल देखा है और पूरे दुनिया में रिसर्च के बाद में ये बात निकल के आई कि मनुष्य को खाने के लिए जो रसायन का हमने काफ़ी प्रयोग किया और जिस प्रकार से ज़मीन की उर्वरक क्षमता को कमज़ोर करने का काम रासायनिक पदार्थों ने किया, अब एक बार पुनः समय के बदलाव के साथ में और वैज्ञानिकों के रिसर्च के द्वारा ये बात सामने आई है कि हमारे खाने की थाली के अंदर खाद्य पदार्थ जो हैं वो जैविक हो, ऑर्गेनिक हो और मोटा अनाज हो। राजस्थान के लोग और हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदिकाल से ही मोटे अनाज थाली का हिस्सा रहे हैं, चाहे बाजरा हो, मक्का हो, ज्वार हो, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ की जो हमारी भूमि की जो उत्पाद है उनको हम यूज़ करते रहे। या अनेक प्रकार की जो स्टॉल्स लगी है, मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी यहाँ हमारे किसान परिवारों के जो लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती के रूप में आगे बढ़कर राजस्थान की पहचान बनाने का काम किया, उनकी स्टॉल लगी है। और यहाँ जो लोग आएंगे, क्योंकि ये जयपुर शहर के बीच में ये फेस्टिवल, ये जो मेला आयोजित किया गया है, काफ़ी लोगों को जब यहाँ आने के बाद में मालूम चलेगा कि खाद्य जीवन, खाद्य पदार्थों का उपयोग जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की बात हम करते हैं। राजस्थान में कृषि के नवाचार के रूप में जो लगातार कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, उसमें मुख्य रूप से ऑर्गेनिक खेती पे जोर रखा गया है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको अच्छा खाने के लिए और जो हमारी ज़मीन की ताकत जो कमज़ोर हुई है रसायनों के कारण, जैविक खाद के माध्यम से अच्छा अन्न उत्पादन कर सकें ताकि लोगों की सेहत के साथ में आने वाले समय में वो ताकतवर सुदृढ़ बने। क्योंकि कोरोना काल को हमने देखा है कि उसमें शरीर की इम्यूनिटी जितनी कमज़ोर रही है उन लोगों पर कोरोना का ज़्यादा असर हुआ है और जो शरीर में ताकत थी, जो लोग ताकतवर थे, उनमें कोरोना का कम असर हुआ, ये देखने को मिला है और विज्ञान भी इस बात को कहते हैं। तो मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। आज सहकारिता मंत्री जी आए नहीं, वो दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहब व्यस्त हैं, पर जिस प्रकार का यह मेला लगा है और जो उत्पाद यहाँ रखे गए, निश्चित तौर पे जो लोग यहाँ आएंगे, खरीदेंगे, अपने उपयोग में लेंगे, उसका परिणाम आने वाले समय में राजस्थान की जनता को अच्छे उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा और रुचि भी बढ़ेगी लोगों की।